नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है अपना एमपी का, शुरुआत कर रहे हैं इस खबर के साथ। खुल गया भेद, इमारत में छेद। कहां? राजधानी भोपाल में सरकारी इमारतों में खूबसूरत माने जाने वाला वन भवन, जिसकी इमारत लगभग 200 करोड़ की लागत से तैयार हुई थी, 2023 में लोकार्पण हुआ और अब साल भर के बाद ही इमारत में लीकेज हो गया है। स्टोर मैनेजर के केबिन से टपक रहा है पानी, छत से लगातार पानी गिर रहा है। बताया जा रहा है कि स्टोर मैनेजर के केबिन में ये लीकेज हुआ है, जहां पिछले 8-10 दिनों से पानी की बूंदें टपक रही हैं। वन भवन करोड़ों की लागत से तैयार हुआ 2023 में, और अब देखिए हाल 2024 के अंदर, ये हाल देखिए, 8-10 दिन से इसी तरह पानी की बूंदें यहां से टपक रही हैं। बिल्डिंग में लीकेज की वजह से फॉल सीलिंग तक गिर गई है। नौबत तो ऐसी आ गई कि केबिन मैनेजर को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। मामले की शिकायत विभाग के आला अधिकारियों से भी की गई, इसके बावजूद जो तस्वीर है जस की तस है। वही सीनियर अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सवाल ये कि 200 करोड़ की इमारत जिसे तैयार हुए सिर्फ एक साल हुआ, इतने कम वक्त में लीकेज कैसे हो गया? क्या इमारत के निर्माण में जल्दबाजी की गई, या सिर्फ इमारती जो इमारत है वो बाहर से ही खूबसूरत है और अंदर से खोखली है? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साल भर के अंदर इमारत का ऐसा हाल हो गया है जैसे आप देखते होंगे कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं, साधारण आम जो व्यक्ति होता है, उसका घर जब कमजोर हो जाता है तो ऐसे ही पानी टपकता है। लेकिन ये आम व्यक्ति का नहीं है, ये तो सरकारी बाबुओं के बैठने के लिए इमारत बनाई गई थी जिसमें 200 करोड़ की लागत आई थी और साल भर ही हुआ है इसे शुरू हुए। परेशानी में इधर उधर कंप्लेंट कर करके भी कोई आते हैं, फोटो खींच कर निकल कर चले जाते हैं। यहाँ जो अधिकारी बैठे थे वो कहाँ शिफ्ट कर गए? वो दूसरी जगह बैठे हुए हैं टेम्परेरी, वैसे ही अपने स्टूल मिस्टूल वैसे टेम्परेरी लेके। तस्वीरें इस इमारत की गुणवत्ता की कहानी खुद ही बयां कर रही हैं कि करोड़ों की लागत जो दिखाई गई, जो खर्चा हुआ, वो कितना खर्च हुआ है इस इमारत को मजबूत बनाने में, वो साफ नजर आ रहा है। क्योंकि इमारत की मजबूती पानी की शक्ल में इस तरह से बह रही है और बूंद बूंद इकट्ठा हो रही है नीचे रखी बाल्टी में। आप देख सकते हैं वन भवन 200 करोड़ की लागत, साल भर हुआ और अब इमारत टपक रही है और फॉल सीलिंग भी गिरकर धड़ाम हो चुकी है। ऐसे में गुणवत्ता, किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, क्वालिटी का कितना ध्यान रखा गया, ये सब अब सवालों के घेरे में है। दो तस्वीरें बाहरी जो चकाचौंध है इस इमारत की वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर का हाल भी ये तस्वीर बयां कर रही है। वासु चौरे भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, बाहर से चमचमाती हुई इमारत अंदर से कितनी मजबूत है वो तो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में कि छत से पानी टपक रहा है, नीचे बाल्टी में इकट्ठा हो रहा है। 200 करोड़ गए कहां? बिल्कुल, देखिए वन भवन की पूरी इमारत की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं और अपने आप में ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जब ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण होता है, कई मोटा बजट होता है, करोड़ों रुपए इन बिल्डिंगों के निर्माण में खर्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जरा सी बारिश, एक दो सीजन की बारिश और उसके बाद इस तरीके से पानी का लीकेज, जगह जगह दरारें, जगह जगह सीढ़न जैसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगती हैं। और फिर इन सबसे एक तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है, वो तस्वीर ये होती है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इन सब बिल्डिंग्स में हुआ, निर्माण में हुआ, और यही वजह है कि इतनी जल्दी ये जो हालात है वो बिगड़ जाते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ये बात जरूर करता है कि इनका मरम्मत करने की बात करता है, रखरखाव करने की बात करता है, लेकिन फिर उसके नाम पर भी जो है वो बजट का एलोकेशन होता है और स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर नहीं आती और इस तरीके की जो लापरवाही होती है। बताया जा रहा है कि करीब 8-10 दिन हो गए इस तरह से पानी टपक रहा था, तो फिर वक्त रहते मेंटेनेंस क्यों नहीं कराई गई? क्या फॉल सीलिंग गिरने का इंतजार हो रहा था?
यही तो लापरवाही और यही लापरवाही जो है वो हादसों का कारण बनती है, हादसों की वजह बनती है और लोगों को जान माल का जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। लगातार कई दिनों तक लापरवाही होती है, उसके बाद किसी दिन कोई हादसा होता है या तस्वीरें वायरल होती है, जब जाके प्रशासन जागता है और फिर उस पर कुछ कार्रवाई करने की जो बात है वो की जाती है। वन भवन के ये हालात है। इसके अलावा अगर आप राजधानी भोपाल के स्कूलों को देखें या अन्य सरकारी बिल्डिंग्स को देखें तो वो भी जर्जर हो चुकी है। कहीं पर पानी गिर रहा है, कहीं पर फॉल सीलिंग गिर रही है, कहीं पर छज्जर गिर रहे हैं, छप्पर गिर रहे हैं, बच्चों की जान खतरे में, सरकारी कर्मचारियों की जान खतरे में है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो मौन धारण करे बैठे हुए हैं और इस तरीके की जो लापरवाही प्रवृत्ति है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं सहयोग करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितने गंभीर, कितने सिंसियर इनके एफर्ट्स रहे होंगे इस इमारत को बनाने में। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बीजेपी के महामंथन की बात करते हैं। चुनाव के बाद बीजेपी के बड़े दिग्गज राजधानी भोपाल में जुटे हैं। बैठक में बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी इसको लेकर मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी बैठक में शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में हो रही बैठक में प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों से आगामी संगठन के अभियानों को लेकर चर्चा होने के साथ ही पिछले अभियान की समीक्षा भी हो रही है। इतना ही नहीं, सदस्यों को लेकर भी बैठक में रणनीति तय की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं महामंथन के लिए दिग्गजों का जमावड़ा, यहां पर आप देख सकते हैं प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों के साथ ये दिग्गज नेता बीजेपी के बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आप देख पा रहे हैं और साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी बैठक में मौजूद है। अगली रणनीति क्या होगी अब बीजेपी की इसको लेकर ये महामंथन हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कह सकते हैं प्रदेश बीजेपी दफ्तर में इस समय चल रही है कि रणनीति आगे भविष्य को लेकर किस तरह से बनाई जाएगी, क्योंकि अब लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी मध्य प्रदेश में सामने हैं। ऐसे में उसको लेकर भी क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर भी मंथन यहां पर किया जाना है। चुनाव के बाद बीजेपी के ये बड़े दिग्गज भोपाल में जुटे हैं। बैठक में बीजेपी की अगली रणनीति को लेकर मंथन हो रहा है। और अब बात इंदौर की, जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ दिए। बैरिकेड को तोड़कर युवा कांग्रेस के नेता निकले, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर वो मान गए। फिलहाल पुलिस प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंदौर की, यहां पर किस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन किया है नगर निगम के सामने, और इस प्रदर्शन के दौरान वो इतने आक्रामक हो गए कि बैरिकेड्स भी तोड़ दिए और बैरिकेड्स को तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करते हुए ये आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। बाद में वरिष्ठ अधिकारी, जो वरिष्ठ नेता रहे बीजेपी कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को समझाया है, उसके बाद थोड़ा काबू में आए हैं कार्यकर्ता। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। जो घोटाला हुआ है, ड्रेनेज घोटाला, उसको लेकर कल ईडी की टीम ने छापा भी मारा था और अब इसीलिए यहां पर घेराव करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। इंदौर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएं वहां पर क्या स्थिति है, तस्वीरें भी दिखाएं। मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं और सबसे पहले एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं कि मुख्यालय के बाहर ही बैरिकेड लगा दिया गया और भारी पुलिस जो बल है इस वक्त यहां पर मौजूद है। लगभग 6 थानों का फोर्स यहां पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वाटर कैनन की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद है, आंसू गैस के गोले के साथ पुलिस जवान मौजूद है और दूसरी तरफ इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दूसरी तरफ
और अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी के नेतृत्व में आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन इंदौर में चल रहा है, जंगी प्रदर्शन है। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी जो है नगर निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए हैं, बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो जंगी प्रदर्शन है वो नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। नीट जो परीक्षा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर सरकार को कांग्रेस घेरने का प्रयास कर रही है। और पहली बार सरकार की जब से बनी बीजेपी उसके बाद जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी कांग्रेस के, उनके गृह क्षेत्र में ये पहला प्रदर्शन है। इसलिए कांग्रेस ने इसकी तैयारियां जो है बड़े व्यापक रूप से की थी, बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां की गई थी। और तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। और आज सड़कों पर कांग्रेस मौजूद है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद है, यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। कुछ ही देर में जीतू पटवारी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे और उस वक्त यहाँ पर झड़प भी हो सकती, विवाद भी हो सकता है, जिसके पहले से एहतियात के तौर पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल आगे आपसे अपडेट लेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर। मिथिलेश विलास, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए और साथ ही इन तस्वीरों के लिए भी। तो इंदौर से अगली खबर भी, जहां जीतू पटवारी के पोस्टर पर कीचड़ लगाया गया। शरारती तत्वों ने जीतू पटवारी के पोस्टर पर कीचड़ लगा दिया, जिसे बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ किया। नगर निगम पर प्रोटेस्ट के दौरान ये पोस्टर वहां पर लगा हुआ था, लेकिन वहां कुछ शरारती तत्वों ने इस पोस्टर पर कीचड़ लगा दिया, जिसे बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस कीचड़ को वहां से साफ किया। ये वही पोस्टर है जो वहां पर लगाया गया था इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का, और इस पोस्टर पर कीचड़ लगा दिया गया। बाद में इसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर से इस कीचड़ को साफ किया। अगली खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर में डूब रहे युवक को बचाया गया। नर्मदा नदी में डूब रहे युवक को बचा लिया गया। युवक के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। लोगों ने डूबता देख एसडीईआरएफ को सूचना दी, टीम ने युवक की जान बचाई। ओंकारेश्वर में इस डूबते युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं खंडवा से, जहां ओंकारेश्वर में ये युवक डूब गया था, उसे जिस तरह से रेस्क्यू किया गया है उसका वीडियो सामने आया है। खंडवा की तस्वीरें, नर्मदा नदी में युवक डूब गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम ने इस युवक को बचा लिया। गनीमत रही कि युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। अमित जायसवाल खंडवा से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, कैसे ये युवक डूबा और किस तरह से इसे बचाया गया, और साथ ही एक और चीज कि ये एसडीआरएफ की टीम थी या एसडीईआरएफ? जी बिल्कुल, एसडीईआरएफ की टीम थी। और ये जो ओमकारेश्वर क्षेत्र है, यहाँ पर जब युवक पहुंचा था तो स्नान के दौरान वो गहरे पानी में चला गया था, और उसी दौरान जो है वो यहाँ पर डूबने लगा, और उसे लोगों ने देखा डूबते हुए, तो एसडीईआरएफ की टीम को जो यहाँ मौजूद थी उसको सूचना दी, और उनका जो सैनिक था सचिन उपाध्याय उसने अपनी तत्परता दिखाई और युवक को बचाने के लिए तत्काल जो है नाव लेकर निकले। युवक बचा लिया गया है, जो जानकारी मिल रही है। खंडवा के मोहना का कमलेश नाम का ये युवक है जो यहाँ स्नान करने आया था, लेकिन इसी दौरान इसके साथ ये हादसा हो रहा था और इसे बचा लिया गया है, ये सकुशल है। धन्यवाद अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर रीवा से है, जहां खेल खेल में एक बड़ा हादसा हो गया। पुल पार कर रहे दो लड़के नदी में गिरे, साइकिल से ये पुल का पार कर रहे थे। एक लड़के की डूबने से मौत हो गई, दूसरे लड़के ने पेड़ को पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने इसके शव को बरामद किया। तो रीवा में खेल खेल में ये बड़ा हादसा हो गया। साइकिल से दो बच्चे पुल पार कर रहे थे, दोनों साइकिल से नीचे नदी में गिर गए, जिसमें एक लड़के की डूबने से मौत हो गई। दूसरे लड़के ने पेड़ को पकड़ लिया, उसकी जान बच गई। बाद में उसे रेस्क्यू किया गया और उस लड़के की डूबकर मौत हो गई थी, उसके शव को बाहर निकाला गया।
अब दिखाते हैं आपको भिंड की एक तस्वीर जो प्रशासन की पोल खोलती है। दरअसल मनोहरपुरा गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार शमशान के बजाय घर के बाहर करना पड़ा। परिवार वालों के मुताबिक शमशान तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। गांव वालों ने कई बार प्रशासन से यहां पर रास्ता बनाने की गुहार लगाई, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हालात ऐसे हैं कि गांव वालों को घर के बाहर ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हालांकि इस बात की खबर लगते ही एसडीएम ने मौके पर जांच के लिए एक टीम भेजी है, लेकिन अब तक रास्ता बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। बात दमोह की, जहां पर खाट पर है सिस्टम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि यहां पर सड़क बेहद खराब है। इसके चलते गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। हटा विकास खंड से ये शर्मनाक तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह ये युवक जो पुरुष है वो उस खाट को उठाकर ले जा रहे हैं। खाट पर जो महिला है वो गर्भवती है, उसे अस्पताल ले जाना था, तो इस तरह से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि देखिए किस तरह घुटनों से भी ज्यादा पानी यहां पर भरा हुआ है, रास्ता नहीं है, सड़कें खराब हैं, और ऐसे में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये तस्वीरें सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली हैं कि किस तरह यहां पर सड़कें बदहाल हैं, सड़कें है ही नहीं काफी जगहों पर, तो और ऐसे में खाट पर लेटाकर मरीज को या फिर गर्भवती महिला को इस तरह से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, और कोई और अगर मरीज भी होता है तो उसे भी इस तरह से ही अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। अगली खबर मुरैना से है, जहां शराब पीने से मना करना महंगा पड़ गया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, मकान मालिक पर ये गोलियां चलाई गई है। हमले में बाल बाल मकान मालिक बचा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चुंगी नाके की घटना है। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए बाइक पर ये दो युवक आते हैं, पीछे बैठा युवक किस तरह से फायरिंग करता है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भिंड में पुलिस को देखकर एक संदिग्ध भाग गया। कार सवार युवक भागने के दौरान पुलिस की गाड़ी में उसने टक्कर मार दी। पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। सीसीटीवी में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। मुरैना में युवक के साथ मारपीट की गई। स्कूटी सवार युवक की पिटाई की गई। चार पांच लोगों ने युवक को पीट दिया। सीसीटीवी में मारपीट की वारदात रिकॉर्ड की गई। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। माधोपुरा के पुलिया के पास की यह घटना है। ग्वालियर के बिजौली गांव में एक युवक के साथ लूट की वारदात की खबर सामने आई है। युवक के हाथ पैर बांधकर उसके 32 भेड़ बकरियों को लुटेरे लूट ले गए। युवक अपने घर के बाहर टीन के शेड में भेड़ बकरियों की रखवाली करते हुए सो रहा है। इस दौरान बदमाश आधमके और युवक की पिटाई की, हाथ पांव उसके बांध दिए और भेड़ बकरियों को लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने लूट की घटना का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर इंदौर से है। कोरोना ने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं। एक युवक नीमच से जो पॉजिटिव, उस युवक का केस सामने आया है। युवक को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। अस्पताल में भर्ती युवक भी कोविड पॉजिटिव निकला है। स्वास्थ्य विभाग ने इलाज की व्यवस्था की है। 3 मामले ये कोरोना के सामने आए हैं। अगली खबर खंडवा से है, जहां डायरिया के चलते युवक की मौत हो गई। 27 मरीज उल्टी दस्त के शिकार हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की जांच की है, 6 सैंपल लिए हैं। गांव में कुएं के आसपास मिली गंदगी, कुएं का पानी पीने से लोग बीमार हो गए। खालवा क्षेत्र के बाराकुंड गांव का मामला है। खंडवा जिले में डायरिया के कहर से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं कुछ अन्य मरीजों को भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पूरा मामला क्या कुछ है हम जानेंगे जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा से। सर किस तरह का मामला है, क्या कुछ जानकारी है? जी, ग्राम बाराकुंड विकासखंड खालवा जिला खंडवा अंतर्गत एक उल्टी दस्त की सूचना प्राप्त हुई थी गांव से।
एक व्यक्ति हैं अशोक पिता शंकर, 25 साल के लगभग उनकी उम्र है, ग्राम बीचपुरी विकासखंड सिराली जिला हरदा के निवासी हैं, जो कि अपने ससुराल आए हुए थे बाराकुंड में। उन्हें पूर्व से भी किसी बीमारी का इलाज चल रहा था। रात में 1 बजे के करीब उनको उल्टी दस्त की शुरुआत हुई और सुबह 8 बजे उनको PSC रोशनी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर संतोष मोरे द्वारा उनको देखकर बताया गया कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा, एक कुआ है जो कि गंदा था और नीचे बना हुआ है, आसपास वहां पे बायो कंपोस्ट खाद के भी स्थान थे, लोगों के द्वारा वहां से अपनी पर्सनल पाइपलाइन डालकर और घरों तक पानी की सप्लाई हो रही थी, जिन लोगों ने बड़ा मोहल्ला और ऊपर आवाज। महाकाल मंदिर के स्मार्ट पार्किंग में भी अब गाड़ियां चोरी होने लगी हैं। चोर बेखौफ होकर पार्किंग में घुसकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। एक नया वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे 3 चोर मंदिर की कंपनी के कर्मचारियों की गाड़ियां चुरा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के संचालित स्मार्ट पार्किंग को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ऐसे चोरी के वीडियो सुरक्षा पर सेंध लगा रहे हैं। लॉक तोड़कर यहां पर चोर गाड़ी उड़ा ले गए। इन तस्वीरों में ये चोर रिकॉर्ड हुए हैं, इनकी करतूतें रिकॉर्ड हुई हैं और ये स्मार्ट पार्किंग मानी जाती है। हरदा जिले में दिनों बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। इस बीच हंडिया में नर्मदा नदी में मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि नर्मदा नदी में ऐसे मगरमच्छ के दिखाई देने से नर्मदा किनारे के गांवों में खतरा बढ़ सकता है। बारिश के मौसम में जहां एक ओर कान्हा टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं सड़कों पर अब टाइगर के दीदार हो रहे हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के गढ़ी रोड पर बाघ के दिखने का एक वीडियो सामने आया, जिसे एक राहगीर ने कैप्चर किया। और आइए अब देखते हैं।